सुशील सिंह जी को भारी से भारी मतों से विजयी छल्ले का काम किया। अब जातिवाद की बात करते हैं, उस दिन आपकी बातों को सुनकर बड़ा अच्छा लगा कि कम से कम आपके पिछड़े हुए समाज का बेटा ऐसा है कि आज आपके पूरे समाज की बातों को उठाने का काम करते हैं। निषाद और भगवान राम का पुराना इतिहास है, आप सब लोग जानते होंगे, जानते करेंगे ना। इस समाजवादी पार्टी वाले 5 साल में टूट गए हैं। वो चाहते हैं कि जो पिछड़े समाज का वोट है जातिवाद के नाम पर उसको बांटने का काम करेंगे। लेकिन मैं बधाई देना चाहता हूँ अपने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी को, जिन्होंने गरीबों को राशन, गरीबों को सुविधाएं, गरीबों को घर और गरीबों को बिजली दे करके और हमारे गरीबों को पेंशन 300 रुपए से बढ़ा करके आज 1500 रुपए करने के बाद थोड़े हमारी भारतीय जनता पार्टी कर रही है। घर में गैस पहुंचाने की बात कर रही है और हमारी पार्टी ये कह रही है, गठबंधन ये कह रहा है कि फिर से आप मोदी जी की सरकार बनाइए। बनाया गया है कि हम निषाद राज के किले पर संकल्प आए। निषाद राज के किले को भारतीय जनता पार्टी ने कई 1000 करोड़ देकर उसे पलटा कर सर घोषित कराया। निषाद राज का गले राम की गले लगे, मूर्ति लग रही है, ये बहुत बड़ा सम्मान तुम्हारे समाज के लिए। आज के दिन में ये निषाद जल क्षत्रिय और थल क्षत्रियों को सोचना है कि सभी जातियों को गले मिलाओ और सुशील सिंह को लखनऊ कूच कर विधानसभा पहुंचाओ। तैयार हो कि नहीं तैयार भैया? तैयार है कि नहीं तैयार है? ज्यादा नहीं कुछ कहूंगा। ये चंदौली के दर्जन भर लोग, कई 100 लोग एक बार 7 जून 2015 को गोरखपुर में एक रेल हमारे जन्मदिन मनाने के लिए गए थे। ये लोग जन्मदिन मनाने के लिए गए थे गोरखपुर में, वहां संत कबीर नगर है, संत कबीर नगर की धरती है मगहर। तो मैंने कहा भाई मेरा जन्मदिन नहीं मनेगा तब तक जब तक गरीबों का मान सम्मान सागमान रोटी कपड़ा मकान। कहना गुरु जी क्या करना होगा? हमने कहा तुम्हें संघर्ष करना होगा, अपनी आवाज को बुलंद करना होगा कि अंग्रेजों को तूने मार कर भगाया, कि राम को गंगा पार किया और अंग्रेजों और मुगलों को सालों को मौत के घाट उतार कर इस देश का सम्मान बढ़ाया। तुम्हें आगे आना पड़ेगा, कल क्या करना पड़ेगा? तो मैंने कहा राजस्थान में गुर्जर आंदोलन चल रहा है, वहाँ 1 महीने से लोग बैठे हैं, पटरी उखाड़ रहे हैं, भाजपा की सरकार है, एक डंडे भी नहीं खाए हैं। तुम भी अपनी आवाज उठाओ, चलो रेल पर बैठो, दिल्ली में मोदी की सरकार है, आवाज की भेजा जाएगा। लेकिन समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में सरकार थी 7 जून 2015 को, उसने क्या किया? बोली नहीं, बदले में क्या दिया? गोली। क्या दिया? हाथ उठा बोलो भैया, क्या दिया हमें? गोली चलवाया। तुम्हारे बेटे डॉक्टर संजय को मारने के लिए निशाना लगाया कि केवट मल्ला बिंद कश्यप कहार का जो बेटा है, जो हमारे महंसी राजपूत धनराम अरबर अकबर जाल बर्मा मनोहर लाल जयपाल कश्यप जोरी बिंद जमुना निषाद फूलन देवी जैसे नेताओं को इन पार्टियों ने इस धरती से उठा दिया। उन्होंने कहा ये निषादों बिंदु को एक कर रहा है, इसे भी साले को धरती से ऊपर उठा दो, इसे भी गोली मरवा दो। लेकिन धन्य हो कि मेरे कार्यकर्ताओं ने हमें रेल से लेके कूद गए, हमें अगर जान बचाए तुम हो, लेकिन मेरे एक भाई को गोली मराकर अखिलेश निषाद की हत्या समाजवादी पार्टी ने कराया कि नहीं कराया? कराया कि नहीं कराया? हमारी आंखों के सामने उसे पॉलीथीन में लगा। गलत नीतियों के नाते देश का अनाज गोदामों में सड़ रहा है, गांव का गरीब भूखों मर रहा है, उसका अनाज उसके दरवाजे पर पहुंचा दीजिए। पहुंचाया कि नहीं पहुंचाया? बोलो अनाज मिल रहा कि नहीं मिल रहा? ऐसे नहीं, अनाज भी खाओगे और ताकत भी नहीं दिखाओगे। अनाज मिल रहा कि नहीं मिल रहा? दोनों हाथ उठा के बोलो मिल रहा कि नहीं मिल रहा? एक बार की दो बार क्या बात? अरे यार कितना कमजोर तो चंदौली सरकार, सपा बसपा कांग्रेस खत्म हो गई, शांति कांग्रेस। बोलो शांति है कि नहीं भैया? अथवा उठा के बंद दिल से बोलो शांति है कि नहीं है? है कि नहीं भैया? भगवान राम को अपनी सेना दिया था निषाद राज ने, कहा हे राम
कि रावण का वध होना चाहिए। आप अकेले हो, लक्ष्मण है, सीता मैया है, लेकिन मैं आपके साथ खड़ा हूं। रावण का वध करने के लिए मैं सेना आपको दे। कनिष्क राज की सेना से रावण का वध हुआ कि नहीं हुआ? ऐसे नहीं, दोनों हाथ उठा कर हुआ कि नहीं हुआ? तो जब से 2019 में मोदी के साथ आया तो सपा बसपा कांग्रेस रूपी रावण का वध हो रहा कि नहीं हो रहा? हो रहा कि नहीं हो रहा? भैया वह बताओ है या नहीं? सेना का काम है लड़ाई लड़ना। लड़ाई आप लड़ो, चुनाव जीतो। आज जिस तरीके से हेलीकॉप्टर लेके आया हूं, 10 मार्च के बाद फिर सुशील सिंह को लेकर बैठ के आऊंगा। बाकी सजना ऐसे नहीं, ऐसे नहीं हो। आज के बाद धरती चंदौली की धरती एक क्रांतिकारी धरती रही है। ये गंगा के किनारे में देखते आ रहा था किस तरीके से अंग्रेजों ने उजाड़ा था, मुगलों ने उजाड़ा था, और सपा बसपा ने भी इन्हें वोट लेके धोखा दिया।